वेलकम टू एक्स्ट्रा कूल स्टफ, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक आटा चक्की के बारे में रिव्यू करने जाएंगे। इससे पहले भी मैंने एक नटराज आटा चक्की का रिव्यू किया था, जो आपने इस लिंक में क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें पाट वाली चक्कियों के बारे में एक आपको बताया था, तो आज मैं एक पाट वाली चक्की के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, पाट वाली चक्कियां दो तरह की होती है। एक तो हॉरिजॉन्टल चाक वाली होती है, जिसमें चाक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही घूमता रहता है, और एक होती है आपकी वर्टिकल चाक वाली, जिसमें चाक आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ही घूमता है। तो ये वाली जो चक्की आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल चाक वाली है। इसके बारे में आज हम रिव्यू करने जाएंगे। इस चक्की को मैंने लिए हुए 9 से 10 साल हो गए हैं। तो उस टाइम जब मैंने लिए थे, ये 2600 रुपए के आसपास पड़ी थी। तो अब आज के रेट के मुताबिक आप इसका रेट ज्यादा ही मान सकते हैं, ज्यादा ही होगा। इवन बात रही इसके साइज की, तो इसका साइज 4 फुट है और इसमें भार 50 से 60 किलो के आसपास है। काफी हैवी है क्योंकि लोहे की बनी हुई है। सारे पार्ट इसके लोहे के लगे, बाकी जो पत्थर अंदर लगा होता है वो तो पत्थर का ही है, बाकी चीजें इसकी लोहे की है। बाकी मैं चीजें आपको रिव्यू करते वक्त इसकी बताता रहूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हॉपर है जिसमें हमारी कनक डाली जाती है, और ये हमारा मेन चैम्बर है जिसके अंदर हमारी कनक पीसी जाएगी पार्टों के बीच में। यहाँ पे जो वर्टिकल चाक है, यहाँ पे दो लगे, एक इसमें स्टेशनरी चाक है और एक इसमें घूमने वाला चाक है, जो इस शाफ्ट के साथ यहाँ से घूम रहा है। और इस शाफ्ट को जो पावर मिल रही है, आप जैसे कि आप देख पाएंगे, ये 2 HP की इसमें मोटर लगी हुई है। इस 2 HP की मोटर से, इस बेल्ट से इसको चक्की को पावर मिलती है, जिससे कि ये घूमती है और आटा इसके अंदर पीसा जाता है। और बाकी अच्छी बात, जब ये होपर में इसमें जहाँ पे हम कनक डाल देते हैं, तो फिर उसका आटा पीसने का जो कार्यक्रम चालू होता है, फिर आटा भी तो कहीं से निकलेगा। आटा निकालने के लिए ये वाली इन्होंने जगह प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे आटा निकलता है, और जिसको हम कोई भी बर्तन जैसे बाल्टी वगैरह होगी उसके अंदर। चीजें और बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि मैंने इसमें बताया आपको, 2 वर्टिकल चाक लगे होंगे इसके अंदर। एक इसमें स्टेशनरी चाक लगा हुआ है, जिसके ऊपर ये वाला हमारा स्क्रू लगा हुआ है, और जो घूमने वाला चाक है वो इस पुली के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया आटा तो निकले, अब आटा किस साइज का निकला, हमें आटा निकालना है कि दलिया निकालना है, ये चीज किससे डिसाइड होगी, ये इस चीज से डिसाइड करेंगे। अब हम इसको जितना टाइट करेंगे, तो जो ये स्टेशनरी चाक है उस घूमने वाले चाक के साथ जाके टच होता रहेगा और उसका स्पेस कम होता रहेगा। उसके बीच में जब वो कनक, जिसको हम गेहूं बोलते हैं, वो गिरेगी, तो उससे उसका आटा पीसा जाएगा या दलिया बनेगा, ये हम उसके स्पेस से हमें पता चल जाता है। ये हम इससे डिसाइड करते हैं, इसको हम टाइट करते रहे और कहाँ पे रोकना, ये उसका लॉकिंग नट हो गया। और आटा जैसे आना चालू हो जाए, कितना उसे टाइट रखना है, अगर और बारीक पीसना है तो और टाइट करते रहेंगे ऐसे, अगर दलिया बनाना है तो और उसे थोड़ा ढीला कर देंगे और वहां पे उसे लॉक कर देंगे। इस तरफ आप इसके ये पुली लगी हुई देख सकते हैं, ये इधर पुली लगी हुई है, ये पुली के साथ इसके शाफ्ट कनेक्टेड है, और ये पुली के ऊपर जो बेल्ट, जिसको हम बोलते हैं पटा बोलते हैं, वो उस मोटर से इसको पावर दे रहा है। और ये रहा हॉपर का, आप ऊपर की तरफ जैसे देख सकते हैं, हॉपर में जैसे हम कनक जो गेहूं डालेंगे वो कितनी स्पीड से आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, वो इसके अंदर यहाँ पे जाएगी। अभी इसमें यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, कपड़ा लगाया, इसको मैं बाहर कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ अंदर हॉपर से इसको जब लीवर को ऊंचा उठा देंगे, तो यहाँ से कनक आनी चालू हो जाएगी, और फिर आगे कितनी स्पीड से गिरनी चाहिए वो भी हम और तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इसको आगे पीछे करके। और ये उस चैम्बर के अंदर जाने वाला कनक का रास्ता हो गया, यहाँ से कनक आपकी इसके अंदर जाती है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और अब हम इसमें कनक डाल रहे हैं। कनक जैसे कि आपको पता होगा, गेहूं बोलते हैं इसे, ये हमने हॉपर में डाल दिया है। अब हम इसे चालू करेंगे, और इस बाल्टी को हम, जैसे कि मैंने बताया था, बाल्टी में नीचे लगा के हमें कलेक्ट करना होगा। अब हम इसे यहाँ पे नीचे लगा रहे हैं। अब हम इसे स्विच ऑन करने जाएंगे। अब ये स्विच ऑन हो गई है, आवाज से आपको पता चल पा रहा है। अब हम इसको टाइट करेंगे उसके मुताबिक, किसी हिसाब से। अब इसको हम लॉक नट से यहाँ पे प्रॉपरली टाइट कर देंगे। अब हमें हॉपर से इसको कनक चैम्बर के अंदर भेजनी है, तो अब वहां से उसका मेन गेट खोलेंगे, और ये फिर नीचे वाला जो लीवर है इसको थोड़ा जिस हिसाब से हमें ओपनिंग से उसके हिसाब से ढीला कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कनक जाना नीचे चालू हो गई है चैम्बर के अंदर, और अब इधर नीचे आटा आना भी चालू हो गया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये अभी इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, आप देख पा रहे हैं,
अब मैं आपको इस पे आटे के बारे में दिखाता हूँ जो अभी एग्जैक्टली निकलना चालू, जो अभी हमने कनेक्शन में जाना चालू हुई है। ये देखिए आप, जैसे कि आटा अभी चालू हुआ है, ये बिल्कुल बारीक है। जो नटराज वाली आटा चक्की थी उसमें आपने जैसे देखा था अभी जो आटा निकलता है उसमें बुरादा नहीं निकलता है जब हम छलनी से आटे को छानते हैं, पर इस वाले आटे के अंदर ये जरूर निकलेगा, जैसे कि आपको नॉर्मली आपने देखा होगा, क्योंकि ये पाटा वाली चक्की है इसमें प्रॉपरली इतना बारीक तरीके से पीसा नहीं जा सकता है। अब ये आप इधर देख पा रहे हैं, ये हॉपर से कनेक्ट निकल के अंदर चैम्बर में जा रही है। इसको मैं थोड़ा आपको क्लोज लुक में दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि दीवार के साथ लगी है मशीन तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है दिखाने में। ये आपने जैसे देखा यहाँ पे, अब ये इसकी मेन बेल्ट देख सकते हैं जो चल रही है, जिसे हम पट्टा बोलते हैं, ये मोटर से इस चक्की को रोटेट करवा रहा है। बात रही इसकी स्पीड की, तो इसके आटा पीसने की स्पीड 20 से 25 किलो पर आवर के हिसाब से है। अब जितना बारीक आटा हो वो उतना ही ज़्यादा टाइम ले लेगी, दलिया पीसेगी तो उसमें और भी कम टाइम लगेगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं आटे की क्वालिटी, आटा काफ़ी बढ़िया इसने पीसा है। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा, कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई सवाल सुझाव कुछ भी हो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।